गोवंश का शव मिला तो गोभक्तों का फूटा गुस्सा, मार्केट बंद कर धरने पर बैठे। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस बोली सड़क हादसा हुआ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद भैरानी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर है बाड़मेर के गुड़ा मालानी कस्बे में। एक बछड़े नंदी का सिर और धड़ अलग मिला तो आक्रोशित लोगों ने इसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर लोग मौजूद हो गए और गुड़ामालानी थाना अधिकारी मय जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। दरअसल जानकारी के मुताबिक गुड़ामालानी कस्बे के कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे नंदी का सिर धड़ अलग नजर आया और गो भक्तों और लोगों ने धड़ देकर पुलिस को सूचना की। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, बड़ी संख्या में लोगों का मौके पर जो है जमावड़ा हो गया। वहीं गुड़ामालानी कस्बा बंद कर मौके पर धरने पर बैठ गए गो भक्त, नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन और गौ सेवकों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर डीएसपी सुखाराम विश्नोई, गुड़ामालानी थाना अधिकारी मय पारिक मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर लोगों से समझाइश की है और धरने को समाप्त करवाया है। अब ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाड़मेर की गुड़ामालानी कस्बे की है, जहाँ पर आज सुबह गो वंश का शव मिलने के कारण वहां पर हिंदू संगठन के तमाम जो लोग है, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। उन लोगों की मांग थी, हिंदू संगठन के लोगों की मांग थी कि गो वंश की हत्या करने वाले उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और लगातार नारेबाजी भी करने लगे। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद भैरानी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।